नमस्कार। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के दो महत्वपूर्ण विचारक, दो यूनानी विचारक, जिनमें एक राजनीति विज्ञान का जनक और एक उसका गुरु यानी प्लेटो और अरस्तु, दोनों के जो चिंतन है उसमें जो भेद है या समानता है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, लेकिन दोनों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न विषय वस्तु पर अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। इसके बारे में अनेक विद्वानों ने जो टिप्पणियां की है वो इस प्रकार है। जैसे मैक्सी है, मैक्सी ने कहा है या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। इसी प्रकार से कॉलरिज ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ है या तो वह प्लेटोवादी है या अरस्तुवादी। तो आइए हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें कि दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है। प्लेटो अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था तथा अनेक विद्वान उसे प्लेटोवादियों में महान मानते हैं, लेकिन अरस्तु अपने गुरु का अंधभक्त नहीं था। वे व्यवहारिकता यथार्थवादी दृष्टिकोण का विचारक होने के कारण अपने गुरु के अवास्तविक और जो कल्पनावादी विचार थे उनकी खुलकर उसने आलोचना की है। अब हम दोनों के विचारों में समानताओं पर बारी-बारी से चर्चा करते हैं। तो प्लेटो और अरस्तु में उद्देश्य की समानता है। अरस्तु और प्लेटो दोनों में सर्वाधिक जो समानता है वो ऐतिहासिक व्यवहारिकता भी है, क्योंकि यूनान के जनजीवन में व्याप्त अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अराजकता, राजकीय व्यवस्था, अस्थिरता के प्रति चिंतित थे और उससे दूर करना चाहते थे। दोनों ही यानी अरस्तु और प्लेटो राज्य को एक प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अरस्तु प्लेटो दोनों ही व्यक्ति से पूर्व एवं व्यापकता के लिए जीवन की एक संस्था मानते हैं राज्य को। सेवाइन ने कहा है अरस्तु की भी अपने राज्य संबंधी विवेचन वहीं से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो अपनी रिपब्लिक में करता है। दोनों ही विचारक राज्य की प्रकृति के संबंध में सोफिस्ट वर्ग की जो विचारधारा है उसका विरोध करते हुए इस धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य का जन्म व्यक्ति के जीवन के लिए हुआ है और सच जीवन के लिए या आज तक अस्तित्व में बना हुआ है। शिक्षा संबंधी विचार है। दोनों ही विचारकों के अनुसार सच जीवन की प्राप्ति के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली ही से ही संभव है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रशासकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और भ्रातृभाव, मैत्रीभाव एवं एकता की भावनाएं विकसित की जाती है। दास प्रथा के संबंध में है तो प्लेटो जहां दास प्रथा के संबंध में मौन है, लेकिन शारीरिक कार्य के लिए वह दासों को ही उपयुक्त मानता है और जो उत्पादक वर्ग है जिसमें जिसकी आत्मा में क्षुधा या भूख या तृष्णा की मात्रा अधिक है उसे इस कार्य करने का दायित्व वह सौंपता है। स्पष्ट रूप से वह रिपब्लिक में दास प्रथा का समर्थन नहीं करता है, जबकि अरस्तु दास प्रथा का खुलकर समर्थन करता है और इसको राज्य व्यवस्था का स्थायी अंग ठहराता है और प्राकृतिक और व्यवहारिक तर्कों के आधार पर वह सिद्ध करता है कि दास प्रथा यूनान के जो जनजीवन है उसका अनिवार्य संबंध है। नैतिकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तु है। दोनों राज्यों की जो समस्या है उस पर नैतिक दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक विचार नैतिक विचारों से प्रभावित होते हैं। नागरिकता संबंधी जो विचार है वो दोनों के ही है। वो नागरिकता को सीमित बनाए रखते हैं और अच्छे नागरिक के लिए अच्छे नगर में ही विद्वान हो सकते हैं, ऐसा दोनों का विचार है।
कानूनी विचारों में समानता, प्लेटो की लाज और अरस्तु की पॉलिटिक्स, कानून को उसमें उच्च स्थान प्रदान किया गया है। प्रजातंत्र संबंधी जो धारणा है, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्रजातंत्र के विरोधी हैं और समानता में वो दोनों ही विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार जो प्रजातंत्र है को श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। राजनीति विज्ञान संबंधी जो विचार है, दोनों ही राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान मानते हैं और प्लेटो की लाज और रिपब्लिक राजविक के लिए पद प्रदेशक गुट का है, तो अरस्तु की पॉलिटिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तिका बन जाती है। दोनों ही विचारक व्यक्तिगत धर्म को महत्व नहीं देते और राजधर्म में ही उसका अस्तित्व पूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार से शासक संबंधी जो विचार है, दोनों ही दार्शनिक इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि राज्य की उन्नति और विकास के लिए प्रशासक सुशिक्षित होना चाहिए और वह परमावश्यक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अनेक विचार जो अरस्तुवादी प्रतीत होते हैं वो वास्तव में ही प्लेटो के ही हैं। अतः अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान प्लेटोवादी है, ऐसा कोटेशन पोस्टर अपनी किताब में कहते हैं। असमानताओं की जहाँ तक बात है वो वास्तविक रूप में ज़्यादा है। असमानताएं राजनीति विज्ञान में प्लेटो और अरस्तु की जब हम तुलना करते हैं तो वह रिपब्लिक और पॉलिटिक्स के आधार पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि दोनों की अध्ययन पद्धति में ही मूल रूप से अंतर है। जब दृष्टिकोण की भिन्नता है तो अन्य फील्डों में भिन्नता ज़्यादा दिखाई देगी, गहरी दिखाई देगी। अरस्तु प्लेटो जहाँ अपने अध्ययन के लिए निगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अनुसार उसका जो राज दर्शन है वो सत्य शिव और सुंदर की अमूर्त धारणा का विश्लेषण करते हुए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी सिद्धांत का निर्माण पहले और उसके लिए अस्तित्व में या समर्थन में तर्क बाद में ढूंढता है, ऐसी पद्धति का वह समर्थन करता है जो निगमनात्मक पद्धति होती है। जबकि अरस्तु यथार्थवादी होने के कारण आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करता है, इसीलिए उसने अपनी संविधान संबंधी जो अवधारणा है या पॉलिटिक्स का अध्ययन करने से पूर्व विश्व के 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और तब जाकर उसने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया। यानी वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, यानी विशेष परिस्थितियों से सामान्य नियमों का निर्माण करता है, यही आगमनात्मक दृष्टिकोण है। दूसरा जो अंतर है वह है आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। प्लेटो के चिंतन में आदर्शवाद, कल्पनावाद और जो तर्कवाद है वह जबरदस्त है, और जबकि अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवाद, व्यवहारवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हमें दिखाई देगा। आदर्श राष्ट्र संबंधी धारणा है, उसमें दिन रात का अंतर है। प्लेटो दार्शनिक शासन के राज्य को श्रेष्ठ राज्य मानता है और दार्शनिक शासकों की निरंकुशता में विश्वास करता है, जबकि अरस्तु सदैव ही संवैधानिक शासन व्यवस्था में विश्वास करता है और कानून के शासन को या सर्वाधिक बुद्धिमान शासक भी कानून से समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसी धारणा में वह विश्वास करता है। आदर्श राज्य के संबंध में उसका जो भेद है वो मैक्सी ने अपने कथन से दर्शाया है कि प्लेटो ऐसे किसी महानतम मानव की खोज में है जो राज्य की आदर्श अनुरूप सृष्टि कर सके, जबकि अरस्तु ऐसा विज्ञान खोज रहा है जो राज्य को श्रेष्ठ बना सके। राज्य की एकता के संबंध में भी दोनों का दृष्टिकोण भिन्न है, विचार भिन्न है। प्लेटो राज्य की एकता तर्कपट्ट की हुई है, जिसमें राज्य में व्यक्ति को पूर्ण रूप से विलीन कर देता है तथा वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निजी संपत्ति और परिवार को भी समाप्त कर
कर देता है, यानी सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह एक अतिवादी दृष्टिकोण है। इसके विपरीत अरस्तु मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए राज्य की एकता को बनाए रखना चाहता है, लेकिन व्यक्ति उसमें पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतः राज्य में विलीन नहीं करता। वह तो राज्य को समुदाय का समुदाय मानता है और उसने अपने परिवार संस्था को महत्व दिया है, संपत्ति के निजी स्वामित्व के साथ सार्वजनिक प्रयोग पर बल देकर वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, जैसे गोल्डन मील का सिद्धांत कहा जाता है। साम्यवाद के संबंध में भेद है। अरस्तु प्लेटो के संपत्ति स्थितियों के साम्यवाद के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से असहमति व्यक्त करता है और वह परिवार को राज्य को एक इकाई मानता है और राज्य का क्रमिक विकास, स्वाभाविक विकास में विश्वास करता है, जिसके अनुसार परिवार है वह राज्य की प्राथमिक इकाई है, वह प्राथमिक इकाई या मूलाधार को नष्ट नहीं करता। अरस्तु समाज के किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति या स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता। निम्न वर्गों के संबंध में उनके दोनों विचार भिन्न भिन्न है। प्लेटो अपने साम्यवादी व्यवस्था में दास प्रथा के संबंध में साथ में चुप है, लेकिन अरस्तु अपने आदर्श और उपादर्श राज्य में निम्न वर्गों, यानी प्लेटो है वह आदर्श राज्य के संबंध में दोनों ही राज्यों में, आदर्श राज्य और उपादर्श राज्य में दास प्रथा के संबंध में चुप रहता है, लेकिन अरस्तु दास प्रथा का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है। एक भेद परंपरावादिता और काल्पनिकता का भेद भी दोनों विचारकों में दिखाई देता है। प्लेटो के विचार राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्रांतिकारी है। प्लेटो अपने राज्य आदर्श राज्य की स्थापना में आमूलचूल परिवर्तन करता है, जबकि अरस्तु एक परंपरावादी विचारक है। वह व्यवहारिकता को प्रधानता देने के कारण रूढ़िवादी दार्शनिक बन गया है, अतः वह प्लेटो की जो क्रांतिकारी धारणा है उसकी आलोचना करते हुए कहता है, प्लेटो युगों के अनुभव को ठुकरा देता है। इसी प्रकार से स्त्री स्वतंत्रता के संबंध में प्लेटो जहाँ स्त्री और पुरुष की समानता पर बल देता है, जबकि अरस्तु दोनों की क्षमताओं और कार्य क्षेत्र में भेद करता है। वह कहता है, पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है, जबकि स्त्री का आज्ञा पालन में। शैली संबंधी भेद भी दोनों विचारकों में हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण उसकी शैली है वो काव्यात्मक और सरस है, पर कविता के रूप में है जिसमें हमें रसानुभूति होती है, जबकि अरस्तु यथार्थवादी और व्यवहारिक होने के कारण उसकी जो शैली है वो विश्लेषणात्मक है, शुष्क है और नीरस है। कानून की धारणा के संबंध में भी दोनों में भेद दिखाई देता है। प्लेटो को कानून के शासन में जो दार्शनिक शासक है उसके अधीन कानून को मानता है और उसे विभिन्न जनमत और सामाजिक जो बंधन है उनसे उच्च मानता है, उसका संप्रभु दार्शनिक शासक है, जबकि अरस्तु कानून के शासन का एक तरह से प्रतिपादक है। वह राजदर्शन में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उसके अनुसार व्यक्ति कानून के समकक्ष नहीं हो सकता, अतः उसका संप्रभु कानून है, कोई व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की स्थिति के संबंध में भी दोनों में भेद है। प्लेटो आदर्श राज्य में व्यक्ति को एक साधन मात्र मानता है, व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता पर वो प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना है, लेकिन अरस्तु परिवार की साम्यवादी योजना और समाज में पूर्णता तीन वर्गों में विभाजित इसी दृष्टिकोण का प्रचारक हम मानते हैं कि प्लेटो करता है, लेकिन अरस्तु नहीं। अरस्तु अपने दर्शन में व्यक्ति को उचित महत्व प्रदान करता है। वह प्लेटो के समान व्यक्ति की इच्छाओं और आवेगों की अवहेलना नहीं करता है। स्वतंत्र राजनीति के संबंध में भी जो राजनीति विज्ञान का स्वरूप है उसके संबंध में दोनों के विचारों में भेद है। प्लेटो अपने दर्शन में राजदर्शन में राजनीति और नीति को पूर्णतः मिश्रित मानता है और राजनीति को नीति का ही अंग मात्र मानता है, जबकि अरस्तु
राजनीति और नीति का नीति को पूर्ण रूप से पृथक मानता है तथा राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु में मौलिक समानताएं हैं और असमानताएं हैं। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है लेकिन वह अपने गुरु का अंधभक्त नहीं है। अरस्तु ने प्लेटो को ही आदर्शवाद और व्यवहारिकता और स्वीकार बनाया है जो प्लेटो उस काम को नहीं कर सका। इसीलिए एर्नस्टीन का कहना है कि प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना ही शिष्य था। धन्यवाद।